हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के हनुमान मंदिर में इस वक्त एबीपी न्यूज की मौजूदगी है। करीबन ढाई महीने बाद जो है आज मंदिरों के द्वार दर्शन करने के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन कई सारी जो चीजें हैं उनका ध्यान रखा गया है, सावधानियों का ध्यान रखा गया है। और इस वक्त हम लोग प्रवेश करने से पहले क्या कुछ सावधानियां, आइए आपको एक एक करके सब दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नीचे आप देख सकते हैं ये पीले रंग की जो यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि आप इन लाइंस के ऊपर ही रहें, यानी कि इससे आगे ना बढ़ें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसके जरिए किया जाएगा। और इसके बाद जो ग्रिल्स हैं, ग्रिल्स आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कुछ अब बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली में जो है कोरोना वायरस के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मंदिरों को खोला जरूर गया है, लेकिन कई सारी सावधानियां जो है वो इसमें बढ़ती जा रही है, जिससे कि जो संक्रमण है वो जो है ज्यादा फैले नहीं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो सबसे पहले आपकी थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो पहला कदम है जो मंदिर जाने से पहले आपको यहाँ पर फेस करना होता है। उसके बाद में जो ग्रिल्स हैं, आपको बताइए, ग्रिल्स को टच करना अलाउड नहीं है। जो बुजुर्ग हैं वो जायज़ है कि उनको ग्रिल्स जो है वो टच करते हैं, वो टच करने के बाद उसकी मदद से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ग्रिल्स जो है वो लगातार सैनिटाइज होते रहते हैं वक्त पर वक्त। और इसके बाद में देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर आवश्यक सूचना दी गई है, मंदिर में आने वाले सभी दर्शनार्थी मास्क लगाकर आएं, मास्क लगाना अनिवार्य है। मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथों को सैनिटाइज करके ही प्रवेश करें, मंदिर में उचित व्यक्तिगत दूरी जो है वो बनाए रखें। और इसी के साथ में देखिए, बी सेफ, यूज मास्क। मंदिर के परिसर में घुसने से पहले आपको मास्क पहनना आवश्यक है। और उसके बाद देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पैरों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके साथ ही जो स्टीमिंग सैनिटाइजेशन है वो भी यहाँ पर हो रही है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। पैरों को यहाँ पर सैनिटाइज किया, स्टीमिंग सैनिटाइजेशन जो है वो यहाँ पर आपकी पूरी बॉडी की हो जाती है, और उसके बाद में आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पहले ही बताया, जो ग्रिल्स हैं उनको छूना अलाउड नहीं है, पर उसके बावजूद जो ग्रिल्स हैं उनको बार बार सैनिटाइज जो मंदिर के प्रशासन है वो करते जा रहे हैं। दिल्ली के हनुमान मंदिर की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जगह जगह पर इस तरह से जो स्टीमिंग सैनिटाइजेशन है वो भी लगी हुई है, उनकी मशीनें, यानी कि इसको छूने की आपको ज़रूरत नहीं है और आपका हाथ जो है वो सैनिटाइज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो ऐसे जगह जगह पर आपको बॉक्सेस दिखाई देंगे पीले रंग के, जिनका मतलब है कि आप इन बॉक्स में खड़े हो जाएं और उचित दूरी जो है वो बनाकर रखें। देखिए, कुछ दूर और हम आगे बढ़े तो सैनिटाइजर का यहाँ पर जो बॉक्स है वो हमें रखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में क्योंकि संक्रमण का खतरा कोरोना काल में कहीं ज़्यादा है, तो देखिए जो घंटियाँ हैं वो सभी कवर्ड कर दी गई हैं, यानी कि घंटी बजाना इस वक्त मंदिर में अलाउड नहीं है। जगह जगह पर देखिए सैनिटाइजर जो पंडित जी हैं, आचार्य जी हैं, उन्होंने लगाए हुए हैं। अब इसके साथ आपको बता देते हैं जो चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। प्रसाद नहीं दिया जा रहा है, जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उनके द्वारा जो फूल माला चढ़ाई जाती है वो नहीं दी जा रही है। जो मंदिर के आचार्य जी हैं वही भगवान की मूर्ति पर जो है वो फूल चढ़ाते हैं, और वही जो है वो बाकी तैयारियां भी करते हैं। देखिए, धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको और क्या कुछ बदलाव मंदिर में हुए हैं ये भी दिखाते हैं। जगह जगह जहाँ भी हम जाते हैं हमको इस तरह से सैनिटाइजर जो है वो मिलता है, जैसे कि संक्रमण का आपको खतरा ना रहे और बिना छुए सैनिटाइजर को आपके यहाँ पर सैनिटाइज हो जाए। देखिए, जितने भी आपको यहाँ पर पंडित जी, आचार्य जी दिखाई देंगे, सभी ने मास्क पहना हुआ है, सभी ने ग्लव्स पहने हुए हैं, सभी सोशल नॉर्म्स को उन्होंने ध्यान में रखा हुआ है। इसी के साथ मैं आपको बता देते हैं कि दान पेटी में ही आप दान डाल सकते हैं, घंटी बजाना अलाउड नहीं है, चढ़ावा नहीं दे सकते हैं, और जो प्रसाद है वो पैक्ड ज़रूर उपलब्ध है, लेकिन जैसे प्रसाद दिया जाता था आपको मंदिर में उस तरह से फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। और इसी के साथ में एक जो बड़ा बदलाव मंदिरों में ये भी हुआ है, हनुमान मंदिर की बात करें तो यहाँ पर अब टीका नहीं लगाया जा रहा है। जैसे पहले पंडित जी आपको मंदिर में पहुँचने के बाद टीका लगाते थे, तो अब वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कोरोना काल में जहाँ मंदिरों को खुलने की इजाज़त ज़रूर दे दी गई है, तो ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ में लोगों को
मंदिर आने को कहा गया है। जितने भी भक्तजन हैं आप देखेंगे सुबह से ही उनकी जो भीड़ है वो आना शुरू हो गई है। हालांकि लोग बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, अमूमन इस समय तक लोगों की जो संख्या है वो कहीं ज्यादा होती थी, अभी लोगों की संख्या काफी कम है। लेकिन तस्वीरें हम आपको इस वक्त सीपी के प्राचीन मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही प्राचीन मान्यताएं हैं, जिसे लेकर जो लोग हैं वक्त दर वक्त इस मंदिर में आते रहते हैं भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।